11 मार्च को बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष कोरोना के चलते मेला आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष ये मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। शिवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर सोमवार को बैजनाथ में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैजनाथ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिवरात्रि मेले का आगाज 11 मार्च को होगा और उसी दिन मेले का समापन भी हो जाएगा। कोविड-19 के चलते इस बार एक दिन में ही मेला सिमट जाएगा। राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव पहले 5 दिनों तक आयोजित किया जाता था। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं व अन्य खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ 11 मार्च को 11 बजे होगा। शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंदिरों को फूलों व लाइटों से सजाया जाएगा और बैजनाथ बाजार की भी सजावट की जाएगी। मेला कमेटी के चेयरमैन एवं एसडीएम छवि नांटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए मेले को धूमधाम से मनाने के प्रयास किए जाएंगे। जी, इस बार शिवरात्रि का जो मेला है वो 11 मार्च को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से आरंभ होगा। इसमें माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जो ये 5 दिवसीय मेला था, इसको इस बार हमने कोविड के प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा लिमिट किया है, 1 दिवसीय इसको रखा है। इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की हमारी इच्छा थी, इसलिए हमने मंदिर से संबंधित जो भी कार्य थे उनको वैसा ही विधिवत रखा है, लेकिन बाकी कार्यक्रमों में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हमने लाया है। कल्चरल प्रोग्राम इस बार बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसकी जगह हमने एक जगराते का आयोजन किया है जो कि मंदिर से ही संबंधित रहेगा। इसमें जो कार्यक्रम रहेगा वो शुरू होगा ध्वजारोहण के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही। वहाँ से फिर शोभा यात्रा निकलेगी मंदिर के लिए और फिर वापस आकर एग्जीबिशंस का निरीक्षण होगा और इसी के साथ मेला हमारा कंक्लूड हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।